नमस्कार दोस्तों, पीसी ज्वेलर में एक बढ़िया सी खबर निकल के सामने आ रही है और अच्छी सी यहाँ पे तेजी देखने के लिए मिली है। 10% का इसमें अपर सर्किट लगा है और जो है अच्छा खासा क्वांटिटी भी इसका जो है अपर सर्किट पे लगा हुआ है, जो लगभग देखेंगे तो 22 लाख पूरी शेयर अभी अपर सर्किट पे इसका लगा हुआ है, जबकि 28 लाख 28.5 लाख क्वांटिटी जो है ट्रेड हुआ है। ये केवल NSE का भी डाटा मैं बता रहा हूँ, BSE का भी बाकी है। देखिए बहुत दिन से शेयर कॉन्सोलिडेट कर रहा था। सबसे पहले न्यूज़ देखेंगे, देखिए 2 घंटे 3 घंटे 18 घंटे 15 घंटे 4 घंटे इस तरह से न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। न्यूज़ क्या है तो यहाँ पे बताया गया है, PNB द्वारा वन टाइम सेटलमेंट प्रस्ताव को हरी झंडी दिए जाने के बाद PC ज्वेलर का शेयर 10% अपर सर्किट पर बंद। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना कि कोई भी बैंक किसी को लोन देता है और वो लोन डिफॉल्ट कर जाती हैं कंपनियां, तो उनको दिवालिया प्रक्रिया के तहत जो है दिवालिया घोषित करने के लिए वो NCLT में घसीटता है, ठीक है ना। मतलब ये मान लेते हैं कि ये PNB हो गया और यहाँ पे ये एक जो हो गई हमारी PC ज्वेलर हो गया। अब इस PNB ने, और ऐसे कई सारे बैंक हैं, कई सारे जो 14 बैंक हैं जिनसे इसने कर्ज लिया। अब ये कंपनी जब कर्ज देने में सक्षम नहीं होती है तो फिर ये कर्ज वापस लेने के लिए इस पूरी कंपनी को बेचने के लिए जो है NCLT में घसीटा जाता है दिवालिया प्रक्रिया के तहत। तो दिवालिया होने से बचने के लिए कंपनी के पास सब जितना कर्ज है कंपनी लिया है उतना तो देने लायक है ही नहीं, नहीं तो दे नहीं देती। टोटल जो यहाँ पे बताया गया है कि कंपनी के पास कितना कर्ज है, कर्ज लिया है कंपनी ने 3,466 करोड़ रुपए का जो है चूक का खुलासा किया था। 66 करोड़ मतलब 3,466 करोड़ देना था और कंपनी नहीं दे पाई, तो इसी पैसे को वापस लेने के लिए जो बैंक है वो जो है NCLT में घसते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि कंपनी कहती है कि भाई चलिए हमारे पास 3,466 करोड़ तो नहीं है, लेकिन हमारे पास 1,000 करोड़ है, 1,500 करोड़ है, अगर आपको चाहिए तो बोलिए मैं एक ही बार में देता हूँ, फिर वो किस्त उस्त वाला जो है बात यहाँ पे नहीं रहेगा, एक मुश्त एक ही बार दे दूंगा, काम खत्म, ठीक है ना। तो अगर इसके लिए आप तैयार हो तो बोलिए। तो ये कंपनी की तरफ से एक ऑफर जाता है तो उसको जो है बैंक अगर स्वीकार कर लेते हैं तो ये बढ़िया है, क्योंकि जहाँ पे 6.5 3 करोड़ देना, 3,500 करोड़ देना था, अब वहाँ पे 1,000 करोड़ में भी काम पर आ जाएगा। तो यही चीज़ PNB ने किया है कि कंपनी ने जो भी प्रस्ताव दिया था उस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दीजिए, मतलब स्वीकार कर ली कि भाई एक ही बार जो भी है वही दे दीजिए, वही चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि डूब रहा है NPA, वापस आ रहा है, NPA मिल जाए बस उतना ही काफ़ी है, क्योंकि कंपनी का अभी तो पैसा फंसा ही है ना, डूबा ही है ना, बिकेगा तो कितनी में कंपनी बिकेगी, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। वहीं पे बताया गया है कि टोटल जो है यहाँ पे 14 बैंक हैं, 14 बैंकों से इसने जो है अलग अलग, देखिए 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार SBI, इंडियन बैंक, यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक समेत 14 बैंक हैं जिन्होंने से इन्होंने कर्जा लिया। सबसे ज़्यादा SBI का है 1,060 करोड़, उसके बाद यूनियन बैंक का है 530 करोड़, और उसके बाद नेशनल बैंक का है, पंजाब नेशनल का है 476 करोड़, और इंडियन बैंक का भी 226 करोड़ है। तो इसी को जो है देने के लिए OTC के माध्यम से, जो एक मुश्त निपटान के लिए जो वर्ड यूज किया था, उसका जो है यहाँ पे आया है, और इसी वजह से जो है यहाँ पे पूरा का पूरा, हाँ कितना ऑफर किया गया है कंपनी की तरफ से वो यहाँ पे डाटा अवेलेबल मुझे तो नहीं पता है, हो सकता आया हो, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी हाँ वन टाइम सेटलमेंट का कल अपडेट तो आया था, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। और इसी की वजह से ये जो है तेजी हम लोगों को देखने के लिए मिली है, सीधा सीधा कहने का मतलब है, ठीक है ना। अब देखिए चार्ट पे करना क्या है, चार्ट पे हम लोगों को करना है खरीदारी। हाँ देखिए OTS वाला यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आया है कि पंजाब नेशनल बैंक ने स्वीकार कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक सबने स्वीकार कर लिया, तो ये इसके लिए एक अच्छी बात है। और देखिए चार्ट पे कुछ नहीं करना है, चार्ट पे खरीदारी करने का भी पहले से भी था, अब फिर से रहेगा इसमें नीचे, जब तक ये 53 रुपये के ऊपर ऊपर, 53 नहीं 50 रुपये के ऊपर ऊपर है, हर 50 रुपये के डिप को बाय करना पड़ेगा। फर्स्ट टारगेट हम लोगों को मिलने वाला है इसमें 64 रुपये का, और ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम लोगों को ऊपर साइड में 84 रुपये 85 रुपये तक का भी टारगेट आने वाले समय में मिल सकता है। स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो जो रिसेंट का लो बना है बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस करेंगे, एड़ी टेढ़ी एनालिसिस में नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे बुलिंजर बैंड की बात करेंगे तो बुलिंजर बैंड भी अपसाइड का मोमेंटम देना शुरू कर चुका है। RSI बिल्कुल कंफर्टेबल पोजिशन में है, RSI जब तक 60 के नीचे अब नहीं जाता है
तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 60 के ऊपर ऊपर RSI ट्रेड कर रहा है, बिंदास रहिए और खरीदारी करिए, अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। अभी एक हफ्ते पहले टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ही मैं भी इसमें खरीदारी किया था, 10,000 रुपये मैं इसमें लगाया हूँ और अच्छा खासा रिटर्न आज मिल रहा है। हालांकि अभी तो साइडवेज ही था, ठीक है ना, जब ये वाली गिरावट आई थी तब मैं इसमें जो है एनालिसिस किया था, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत पहले वीडियो बनाता था तो भाई लाइक करिएगा आप लोग, पीसी ज्वेलर वालों। इतनी वीडियो पहले मैं बनाता था इसी चैनल पे ना, देखिए 17 अप्रैल, 10 अप्रैल, 5 अप्रैल, मार्च मार्च मार्च, बढ़िया वीडियो बनाता था बहुत, जब राइट इशू के आसपास इसमें राइट इशू अनाउंस होने वाला था इस तरह से कुछ करके, ठीक है ना। तो उस समय तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा ताकि आगे भी वीडियो बनाता रहूँ, सभी लोग लाइक करिएगा।